अंग क्या है। आप अ किसी भी भाषा में जो सबसे पहला शब्द है, जो सबसे पहला अक्षर है वो क्या है, अ। और किसी भी मंत्र में जब हम माला भी सिद्ध करते हैं तो पहले अ आता है, आम होता है। और अ क्या है, अ आप बोल के देखें, अ अ अ को वैसे तो मृत्यु बीज कहा गया, परंतु यहां एक मृत्यु को अगर जानना है पहले तो मृत्यु बीज अ अ अ। जब मैं बोलता हूं तो वायु आती कहां से, आवाज आती कहां से, हमें यह जानना होगा। आवाज आती है मेरे शून्य से, जो जैसे मैं कहता हूं ह बोलो या हुम बोलो तो नाभि हिलती है, ल बोलो तो मूलाधार पे जाता है, उसी प्रकार से जब हम अ बोलते हैं तो कंप्लीट बॉडी की वायु प्रयोग होती है, नाभि, हृदय और मूलाधार से लेकर आपका सारा जो बॉडी का पार्ट है उससे वायु जो उठती है, जो वायु वाणी में बदलती है वो अ है। और अ जब आप प्रभाव देखेंगे अ का, तो आपके अंदर से यहां तक जाने के बाद अ शून्य रूपी आवाज, शून्य रूपी जो साउंड है वो निकलती है। अब अ मृत्यु बीज, अम को मृत्यु बीज कहा गया। अम को मृत्यु बीज क्यों कहा गया, मृत्यु भी तो अनंत है और मृत्यु जुड़ी है जीवन से, यानी मैं हमेशा कहता हूं मृत्यु सबसे बड़ा महात्मा है। तो अम बीज मंत्र को हम यहां पे ये जानेंगे कि अम जुड़ा है मृत्यु से और मृत्यु जुड़ी है जीवन से। मैं हमेशा कहता हूं यदि जीवन को जानना है तो मृत्यु को जानना पड़ेगा, और अगर मृत्यु को जानना है तो जीवन से होकर ही जा सकते हैं। और यदि इतने बड़े बड़े साधक किसी स्थिति पर पहुंचे तो उन्होंने पहले अपनी मृत्यु का साक्ष्य किया, यह है अम। अम बीज मंत्र जो है वो आपकी शून्य की साउंड है, शुरुआत की साउंड है। तो अम, अम बीज मंत्र के अंदर बहुत सारे बीज मंत्रों का और बहुत सारी विद्याओं का गेटवे है, ये गेटवे है अलग विद्याओं की तरफ जाने का, परंतु वो बहुत विस्तृत रूप से इसके बारे में बात की जानी चाहिए। ये महाविद्याओं में भी, ये शिव विद्याओं में भी, सब तरह की विद्याओं में अम शुरुआत है। तो मैं यहां इस बात पे कंक्लूड करूंगा कि अम यानी मृत्यु जो जीवन से जुड़ा है।